और आज का सेशन जो है वो काफी ज्यादा रिक्वेस्टेड सेशन है। हमारे मेंबर्स ने बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट किए थे सेशन के लिए कि कोई फाइनेंशियल सेशन होना चाहिए, हमें पता चलना चाहिए कि किस तरह से हम हमारे पैसे इन्वेस्ट करें, कैसे इन्वेस्ट करें, कहाँ पे इन्वेस्ट करें। तो आप सभी के लिए हमने ये सेशन अरेंज किया है विथ MFA एंड विथ दी हैप्पीनेस फैक्ट्री एज वेल। तो MFA जो है इसके 18 ईयर्स पहले स्टार्ट हुई थी एंड दिस इज वन ऑफ दी बेस्ट इन्वेस्टिंग फर्म्स इन द फाइनेंशियल सर्विस इंडस्ट्री। तो आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं शिल्पा खान, हु इज अ VP एंड फाइनेंशियल कोच फ्रॉम MFA कैपिटल, एंड शैलजा कापरा, हु इज अ फाइनेंशियल कोच एट हैप्पीनेस फैक्ट्री। तो आज हम इन दो लेजेंड से जानने वाले हैं कि किस तरह से हमें हमारे पैसे इन्वेस्ट करने हैं फॉर आर रिटायरमेंट एंड टू अचीव आर फाइनेंशियल गोल। सो हेलो शिल्पा जी एंड हेलो शैलजा जी, हाउ आर यू डूइंग टुडे? We are great, Yogini. Thank you for the introduction. ग्रेट, ओके, सो हाउ वी गोना स्टार्ट? Namaste, very good evening, and a warm welcome to everyone present here for this very special session. आज का टॉपिक है पेंशन प्लानिंग फॉर टुमारो. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्यों है? क्लियरली बिकॉज हम सब इतने लकी नहीं हैं कि एक पेंशन वी आर इन अ गवर्नमेंट जॉब और रिटायरमेंट के बाद एक पेंशन आता रहे जो हमारे डे टू डे लिविंग की जरूरतों को पूरा करते रहे, राइट? लेकिन जब हम रिटायर करते हैं, एक गोल्डन फेज में पहुंचते हैं, उसके बाद भी एक कैश फ्लो का बना रहना जरूरी है ताकि हमारी गाड़ी पीसफुली चलती रहे. जब ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है तो इसको डिस्कस करने के लिए एक बहुत ही स्पेशल जन हमारे साथ है, विच इज माई कलीग शिल्पा खान. She is a professor. She started her journey as a professor in economics. She has an experience of 18 long years in this industry, holding top positions in research, sales, and strategy. इनकी लर्निंग अभी भी खत्म नहीं हुई है. She is pursuing a PhD in economics. Let's hear a little about myself. मेरा हमेशा फाइनेंस में इंटरेस्ट था, एंड दैट्स वाई आफ्टर माई ग्रेजुएशन आई डिड अ CFA एंड अ MCom इन फाइनेंस. बट क्या इशू देखते हैं कि पर्पसफुल सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट की कहीं ना कहीं कमी रह जाती है. दैट इज व्हाई आई टुक दिस अप एज अ चैलेंज एंड स्किलफुली हेल्पिंग पीपल सक्सीड इन दिस एवर चेंजिंग वर्ल्ड ऑफ फाइनेंस. आई एम कमिटेड टू असिस्ट माई क्लाइंट्स सो दैट वो जो डिजायर जिंदगी जीना चाहते हैं वो जी पाए. आई एम्पावर देम ताकि वो कॉन्फिडेंटली जो भी चैलेंजेस आए उनको फेस कर सके. लेट मी शेयर लिटिल अबाउट माई ऑर्गेनाइजेशन MFA, which was founded in 2005. इसके फाउंडर है मिस्टर अमर पंडित, जिनका एक बहुत स्टेबल वर्क था US में, बट उनको ही वॉन्टेड टू मेक अ डिफरेंस इन पीपल्स लाइफ एंड दैट इज वाई ही टुक द प्लंज. ही केम टू इंडिया एंड स्टार्टेड दिस ऑर्गेनाइजेशन फुल ऑफ पीपल. उसमें उनका साथ दिया हमारे CEO मैम चित्रा अय्यर ने, एंड टुगेदर they've created the most trusted and respected firms which helps clients make informed decisions about money. जैसे जैसे हम चलते गए और हमारा कारवा बनता गया, we realized the need to move with the times. That is when we launched our fintech version, Happiness Factory, in 2017. It is an online platform that helps individuals not only in India, but across the globe. We have 17 countries. This come to lead, achieve their financial goals and pursue a happy, rich life. बहुत क्लाइंट्स ने हमारे साथ शेयर किया कि बच्चे बाहर पढ़ने चले जाते हैं, US में सेटल हो जाते हैं. US के नॉर्म्स बाकी वर्ल्ड से थोड़े डिफरेंट हैं. दैट ऑब्स्टिकल गेव राइज टू आर एंटिटी कॉल्ड हैप्पी रिच कैपिटल विच इज इन USA एंड स्टार्टेड ऑफ इन 2021. आज हमारी ऑर्गेनाइजेशन में 150 प्लस प्रोफेशनल्स हैं, जिसमें से 65% प्लस विमेन है. वी आर अ विमेन सेंट्रिक ऑर्गेनाइजेशन. टुगेदर वी आर मेकिंग अ हैप्पी डिफरेंस, ब्रिंगिंग स्माइल्स टू 8,500 प्लस फैमिलीज. आज के दिन पे जो AU हम हैंडल करते हैं, विच इज ऑलमोस्ट 6,000 प्लस करोड़. दैट इज द ग्लोरियस स्टोरी ऑफ आर ऑर्गेनाइजेशन. आज हम ये क्यों कर पा रहे हैं? क्योंकि हमारी सोच अलग है. वी बिलीव दैट देर इज नो वन फ्रेमवर्क दैट फिट्स ऑल, राइट? सबकी जरूरतें अलग होती है, सबकी नीड अलग होती है. इसीलिए
With time, we've created separate teams to cater to each of these verticals. Say, for example, doctors. ये 30s तक तो पढ़ाई कर रहे होते हैं, तो क्लियरली इनकी अर्निंग लाइफ बहुत लेट स्टार्ट होती है एज कंपेयर टू अ कॉर्पोरेट जो कि अर्ली 20s से ही कमाना चालू कर देते हैं. एक बिजनेस ओनर की सोच अलग है, एक सेलिब्रिटी की सोच अलग है. इन सबको हेल्प करने के लिए हमने डिफरेंट वर्टिकल्स बनाए हैं. एक रिटायरी प्लानिंग जो कि आज हमारा टॉपिक है, उसको हेल्प करने के लिए. तो जब हम काम कर रहे होते हैं, हम अपने रिटायरमेंट गोल्डन फेज के लिए पैसे जमा कर रहे होते हैं, राइट? बट व्हेन वी हैंग आवर बूट्स, राइट, ये जो हमारी जमा पूंजी है, जो हमारा अक्यूमुलेटेड कॉर्पस है, इसको हम किस तरह डिप्लॉय करें, किस तरह यूज करें कि एक मंथली पे आउट आता रहे, ये इक्वली इंपॉर्टेंट है, इफ नॉट मोर. देयर आर लॉट ऑफ एनआरआईज जो हम इंडिया के ग्रोथ स्टोरी में कॉन्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं. कुछ केसेस ऐसे भी हमारे सामने आए जहां फॉर डिफरेंट रीजंस वीमेन हैड ऑफ द हाउस हैड टू टेक फाइनेंशियल डिसीजंस बाय देमसेल्व्स. इस केसेस में ऑब्जर्व किया कि बहुत टाइम मिसगाइडेंस भी होता है. वी टुक इट अप एज अ पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड वी बीन एबल टू पुट देम ऑन ट्रैक. वी आर कंप्लीटली प्राउड ऑफ दैट. आर वेरी वेरी स्पेशल सेगमेंट इज फैमिलीज ऑफ चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड्स. Our CEO, Ma'am Chitra Iyer, she works very closely with NGOs who help such families. My colleague here today, Shilpa Khan, she heads the vertical with MFE. What is the role that we play in our client's life? That is similar to the role of a Sherpa in a mountaineer's life. Jaise ek mountaineer ko peak pe pahunchne ke liye, bahut sare pitfalls aur hurdles ka samna karna padta hai. But Sherpa, क्योंकि ये इन रस्तों से बहुत बार आ जा चुका है, उसे पता है और वो बहुत कंफर्टेबली माउंटेनियर को पीक तक पहुंचा देता है. इसी तरह हम भी इस इंडस्ट्री में क्लोज टू 2 decades से हैं. वी हैव सीन द अप्स एंड डाउन्स एंड वी हैव सीन व्हाट हैपेंस विद क्लाइंट्स. दे गेट डिस्ट्रैक्टेड बाय द नॉइज. आज इंफॉर्मेशन का ओवरलोड है. बहुत सारे बैंक आरएम्स हैं जो गाइड करते हैं, इंश्योरेंस एजेंट्स हैं, जिनमें से कई बार कुछ हमारे फ्रेंड्स एंड फैमिली भी होते हैं. इन वेलविशर्स से आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचाना, जो कि आपके लाइफ के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रिटिकल क्रूशियल फाइनेंशियल गोल्स हैं, वो हमारा जॉब है. और इसके बीच में हम आपको खुद को भी नहीं आने देते. व्हाई आर वी एबल टू डू दिस? बाय स्प्रेडिंग हैप्पीनेस थ्रू MFA, हैप्पीनेस फैक्ट्री, हैप्पी रिच कैपिटल. एज आई मेंशन, हमारा एक लाइव एंटरटेनमेंट एंटिटी भी है, विच इज कॉल्ड द हैपीडेमिक. दिस इज समथिंग दैट वी यूज फॉर स्पेशल ओकेजन्स ऑफ आवर क्लाइंट्स. नाउ लेट्स सेट द स्टेज फॉर टुडेज सेशन. लेट्स अंडरस्टैंड द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द सेशन टुडे. क्यों ये इंपॉर्टेंट है कि रिटायरमेंट के लिए प्लानिंग हो? क्योंकि हम अपनी पूरी जिंदगी बहुत मेहनत करते हैं, बहुत रिस्पेक्टफुली अपनी एक लाइफ बिताए होते हैं. तो डेफिनेटली जब हम रिटायर्ड होते हैं, हम किसी पर डिपेंड नहीं करना चाहते. आई एम श्योर बच्चे बहुत लविंग हैं, रिस्पेक्टफुल हैं, शायद जिंदगी भर हमारा ध्यान भी रखें, राइट? बट अगर हम प्लान करके इंडिपेंडेंट हो सकते हैं, देन व्हाई नॉट. शिल्पा हियर इज गोइंग टू शेयर विथ यू ऑल जो कॉमन ऑब्स्टिकल्स इश्यूज हमें बहुत सारे रिटायरीज के प्लानिंग करने में आए हैं. से फॉर एग्जाम्पल, क्या एवेन्यूज हैं जहाँ जनरली लोग इन्वेस्ट करते हैं? PPF, EPF में, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं कि शायद रेंटल से मैनेज हो जाएगा. बहुत सारे इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स जिनसे उनको लगता है कि पेंशन आएंगे, ये कहाँ तक सही है नहीं है, ये शिल्पा आपको बताएंगे. शी विल ऑल्सो डिस्कस विथ यू द चेकलिस्ट दैट वी फॉलो, द 5 L's एज वी कॉल इट. एक मंथली पे आउट जो बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफस्टाइल मेंटेन करने के लिए, कि आपको लाइफस्टाइल एल से कॉम्प्रोमाइज ना करना पड़े. एक कॉर्पस ऐसा क्रिएट हो जो आपके और आपके स्पाउस के बाद भी रहे, वो पहले आपके पहले खत्म ना हो. एज लविंग पेरेंट्स हमने देखा है कि चाहे हम अपने बच्चों पे डिपेंड करना चाहें या नहीं करना चाहें, बट वी डेफिनेटली वॉन्ट टू लीव बिहाइंड अ लेगेसी फॉर देम. हाउ वेन वी टॉक टू आर रिटायरी क्लाइंट्स, आर फर्स्ट डिस्कशन is that there should be no loans and liabilities on them. Many cases we have seen
वेयर देर आर इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स जिनके प्रीमियम्स रिटायरमेंट के बाद भी चलते रहते हैं, ये सही नहीं है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट एल लिक्विडिटी, रात बेरात कोई इमरजेंसी हो हेल्थ या अदरवाइज, एक रिटायरी के लाइफ में लिक्विडिटी होना बहुत असेंशियल है। शी इज ऑल्सो गोइंग टू टॉक अबाउट इन्फ्लेशन। तो जब इन्वेस्टमेंट की बात आती है तो रिस्क इसके साथ ही चलता है, डिफरेंट रिस्क इन डिफरेंट प्रोडक्ट्स, हम लोग इसी को डिस्कस करते रहते हैं। बट डिड वी अंडरस्टैंड व्हाट इज द रियल रिस्क इन आर लाइफ? सभी ने स्टोरी सुनी होगी कि पुराने जमाने में 40-50,000 में घर चल जाया करता था। आज एक कंफर्टेबल लिविंग के लिए हमको एटलीस्ट 1-1.5 लाख की जरूरत होती है। क्लियरली 10 साल में ये नंबर डबल हो जाएगा। दैट इज द रियल रिस्क। आर कंट्री इज ग्रोइंग एंड इन्फ्लेशन इज अ पार्ट ऑफ इट। हम इससे बच नहीं सकते बट इसके लिए प्लान कर सकते। शी विल ऑल्सो टॉक अबाउट टैक्स, बिकॉज बहुत सारे कॉर्पोरेट्स हैं जिन्होंने बताया कि वो अपने वर्क लाइफ में गवर्नमेंट के साथ अपनी इनकम बहुत टाइम तक शेयर कर चुके हैं। अब उनकी इच्छा है कि ऐसा कोई प्लान हो जहां जो टैक्स एफिशिएंट हो। शी विल ऑल्सो डिस्कस दैट विद द हेल्प ऑफ अ केस स्टडी। ऑफ कोर्स वी आर गोइंग टू एंड अ सेशन विद अ Q&A, जहां जो भी आपके क्वेरीज हैं, जो भी आप बोलना चाहते हैं, या आप अनम्यूट करके या चैट बॉक्स में डाल के बता सकते हैं। टू स्टार्ट द सेशन टू नो यू ऑल बेटर, हम एक पोल लॉन्च करना चाहते हैं। योगिनी, इफ यू कैन हेल्प अस विद द फर्स्ट पोल प्लीज। यस एवरीवन, आप सभी के स्क्रीन पर एक पोल आएगा, आपको उसमें से ऑप्शन सिलेक्ट करने हैं और उस पोल का आंसर करना है। सो प्लीज, यस, इफ यू कैन सी अ पॉपअप नोटिफिकेशन ऑन योर स्क्रीन, एवरीवन प्लीज वोट योर रिस्पॉन्सेस। अगर आप उस पोल को थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो नीचे भी थोड़े क्वेश्चंस हैं, प्लीज वोट देम एज वेल। Is it done, Yogini? Okay, we can end it. Yeah. Okay. Great. Now I welcome Shilpa, my colleague here, to make you know what is enough for you. Shilpa, I welcome you here, please. Thanks, Shailaja, for such a beautiful introduction. Good evening, namaste, namaskar, Jai Shri Krishna. A warm welcome to all the members of Khayal family. सबसे पहले जब मैंने सुना ख्याल के बारे में तो मैंने शब्द पे गौर किया कि ख्याल का मतलब क्या है। ख्याल के दो मतलब है। सबसे पहला मतलब है कि ख्याल मतलब एक सही विचार। दूसरा ख्याल जो है वो है कि किसी का ध्यान रखना और किसी की केयर करना। तो आज हम दूसरे वाले ख्याल की बात करेंगे, जहां आप खुद का और अपने जीवन साथी का ख्याल रखेंगे, और वो किस तरह से करेंगे, थ्रू रिटायरमेंट प्लानिंग, करेक्ट। तो आज मैं ये बताना चाहती हूँ कि आपने सारी जिंदगी हार्डवर्क करके, पूरी मेहनत करके जिंदगी बिताई है, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी की है, एंड यू हैव डन एवरीथिंग दैट इज नीडेड फॉर योर सेल्फ, फॉर योर फैमिली मेम्बर्स, फॉर एवरीबडी अक्रॉस जनरेशंस। और अब जब रिटायरमेंट की बारी आती है तो आपको क्या करना है, आपके मन में ये एक ही चीज होगी कि मुझे अपनी जिंदगी जीनी है। और जिंदगी किस तरह जीनी है, सही से और बहुत खुशी से। और ये आप कैसे जी सकते हैं, अगर आपकी रिटायरमेंट प्लानिंग सही हो। तो रिटायरमेंट प्लानिंग सही होने के क्या मायने हैं,
अगर आपकी रिटायरमेंट प्लानिंग आपको करनी है सही तरीके से, तो उसमें सबसे पहली चीज है कि आपको एक समझ होनी चाहिए, एक क्लैरिटी होनी चाहिए। किस बात की क्लैरिटी? कि मेरे आगे की जिंदगी के लिए मेरे पास, मुझे कितने पैसे लगेंगे, कितना कॉर्पस लगेगा, और ये कॉर्पस या पैसे कहाँ से आएंगे, ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है। उसके बाद कि अगर आपको ये पता चल गया कि मुझे इतना कॉर्पस चाहिए और ऐसे में मेरी जिंदगी जीने वाला हूं, तो अगर आप रिटायर नहीं भी हुए हैं तो ये कैलकुलेशंस या ये प्लानिंग आपको हेल्प करेगा कि मैं जल्दी रिटायर हो सकूं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, अब ये जानना क्यों जरूरी है कि मुझे कितना कॉर्पस लगेगा, क्योंकि पूरी जिंदगी आप एक तरह से जी रहे थे रिटायरमेंट के पहले। जैसे कि आप हर वीकेंड पे फैमिली को बाहर लेके जाना डिनर के लिए, मॉर्निंग वॉक पे फ्रेंड्स के साथ गपशप करना, उनको कहीं चाय पे मिलना, साल में एक बार वेकेशन पे जाना, या अभी जब आपके बच्चे बड़े हुए हैं, अब्रॉड सेटल हुए, तो आपका एक एक US ट्रिप तो बनता ही है, ठीक है? तो ये लाइफस्टाइल आपकी ऑलरेडी मेंटेन्ड है। तो रिटायरमेंट के बाद बहुत जरूरी है कि जब आप अपनी जिंदगी जिए तो ये सारी चीजें उसी तरह से चले, राइट? कि आपके लाइफस्टाइल में कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, हर माँ बाप ये चाहते हैं कि जो भी मैंने कमाया है मेरे बाद मेरे बच्चों को, मेरे ग्रैंड चिल्ड्रन को ये जाना चाहिए। तो रिटायरमेंट प्लानिंग में एक लेगेसी क्रिएशन भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और जब आपने ये सारी चीजें कर ली है तो इसका अंजाम क्या है? यू आर एट पीस, यू आर एट अ निर्वाणा स्टेट स्टेट कि जहां आपकी पूरी, यू आर एट कंप्लीटली एट पीस ऑफ योर माइंड, ठीक है? अभी मैं आपको कुछ शेयर करना चाहती हूँ कि जब हम रिटायरी से बात करते हैं, उनको हम सबसे पहले ये सवाल पूछते हैं, क्या आपने आपके रिटायरमेंट के बारे में सोचा है? और क्या आपने सोचा है कि रिटायरमेंट के लिए आपको इनकम फ्लो, हर महीने जो पैसे लगते हैं, वो कहाँ से आएंगे? हमें इमीडिएटली जवाब मिलता है, कोई गम नहीं, मेरे पास तो पेंशन है ना। तो फिर मैं पूछती हूँ, अच्छा आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो? तो कहते हैं नहीं, मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय तो नहीं हूँ। तो फिर पेंशन कहाँ से आएगा? तो जवाब में ये सुनने मिलता है कि अरे मेरे पास तो इंश्योरेंस पॉलिसीज है, मैंने बहुत सारी FDs बना के रखी है, वो मेरे लिए काफी है, मेरे और मेरे वाइफ के लिए अगली जिंदगी, पूरी जिंदगी के लिए। मैंने नेशनल पेंशन सिस्टम लिया है, NPS लिया है, शायद वो काफी हो जाएगा, या स्टेट गवर्नमेंट पेंशन के हमने इन्वेस्ट किया है। तो इन सारे एवेन्यू से हमारे पास जितने पैसे लगेंगे वो आ जाएंगे। तो ये हमने पूरा जो हमारे क्लाइंट्स के साथ या रिटायरीज के साथ जो भी हम ये सवाल पूछते हैं, उसका हमने एक पोल क्रिएट किया है। तो अब तक हमने जितने लोगों से रिटायरमेंट के बारे में बात की है कि आपको क्या लगता है कि रिटायरमेंट की जिंदगी अच्छी जीने के लिए पैसे कहाँ से आने चाहिए, तो 67% सबसे ज्यादा लोग कहते हैं कि हमारे पास लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज है और वो काफी है। क्यों काफी है? क्योंकि मेरे इंश्योरेंस एजेंट ने बोला है, सर आप जितनी ज्यादा पॉलिसीज लेंगे आपकी आगे की जिंदगी उतनी अच्छी चलेगी। क्यों? क्योंकि LIC जिंदगी के साथ भी है और जिंदगी के बाद भी है, आपके वाइफ के लिए भी ये काफी हो जाएगा। तो इसीलिए मैंने बहुत सारी इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदी एंड आई एम एट पीस, मेरा हो चुका है प्लानिंग। दूसरे लोग 41% बताते हैं, अरे मेरे पास तो बहुत सारी बैंक FDs है, FDs तो फेल ही नहीं हो सकती, क्यों? पूरी गवर्नमेंट की गारंटी है, और अगर गवर्नमेंट की गारंटी है तो मेरे पैसे हैं और उसको बिल्कुल रिस्क नहीं है, तो मेरी पूरी आगे की जिंदगी FD से चल जाएगी। 31% लोग कहते हैं कि मेरे पास तो रियल एस्टेट है, हम ये सब इंश्योरेंस FDs में बिलीव नहीं करते, मैं एक बड़े घर में रहता हूँ, मैंने और दो घर खरीद रखे हैं, एक फार्म हाउस है, गाँव में एक बड़ा प्लॉट ऑफ लैंड है। अब इन सब चीजों से मुझे रेंट तो आ जाएगा हर महीने, और उसके साथ मेरी हर प्रॉपर्टी की कीमत भी बढ़ेगी, तो ये मेरे लिए काफी है, मेरे और मेरे वाइफ के लिए आगे की जिंदगी के लिए। थोड़े लोग कहते हैं कि अरे मेरी वाइफ को तो गोल्ड का बहुत शौक है। चलो मैंने कहा आपको शौक है, हम आपका शौक पूरा करते हैं, हम काफी सारे पैसे गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं, एक आपका शौक पूरा हो जाएगा और दूसरा जब भी जरूरत पड़ेगी हम ये गोल्ड बेच के अपना काम चला लेंगे। तो ये मेजर रिस्पॉन्सेज है, और आप स्क्रीन पे देखेंगे कि काफी सारे कम परसेंटेज, 16%, 13%, 25% ने कहा है कि हम हमारे रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए
म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं, एनपीएस लिया है, स्टॉक्स लिए हैं और प्रोविडेंट फंड लिया है। तो ये सारे एवेन्यू से, अगर मैं नहीं कह रही हूं कि गलत है, अगर आपके पास ये सारे एवेन्यूज में पैसे हैं तो इसका सही एलोकेशन होना बहुत जरूरी है। और ये सारा एलोकेशन अगर सही होगा तो अगले आपके 30-40 साल की जिंदगी आराम से गुजर जाएगी। अभी यहां हमने दिखाया है कि जो समझ है कि एफडी से काम चल जाएगा या कोई भी एवेन्यू से काम चल जाएगा, उसमें एक इंपॉर्टेंट चीज बहुत जरूरी है कि ये सारे जो एवेन्यूज है इसमें टैक्स लग रहा है, ठीक है, जो आपको पता ही नहीं। तो अगर आप सोचते हैं कि मेरा पेंशन एफडी से आएगा, तो आपको ये भी जानना जरूरी है कि इसमें से एक बड़ा हिस्सा आप गवर्नमेंट को दे रहे हैं। कैसे दे रहे हैं? थ्रू द टैक्सेशन। तो आप हर एवेन्यू में, बैंक एफडी हो, पोस्टल स्कीम हो, शेयर्स हो, म्यूचुअल फंड्स हो, रियल एस्टेट हो, तो इसमें से जो आपको इनकम आता है उसमें से एक बड़ा हिस्सा टैक्सेस में जाता है। अभी इसका असर क्या होता है कि अगर आपका कुछ पोर्शन रिटायर्ड लाइफ, जब आप कमा नहीं रहे हो, अगर ये आपका ओनली सोर्स ऑफ इनकम है, तो इसमें का अगर कुछ पोर्शन भी टैक्सेस के थ्रू जाएगा तो आपके लिए हर महीने उतने पैसे कम प्रतिशत में आएंगे आपकी जिंदगी जीने के लिए, ठीक है। ओके, वी मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। अभी इसमें सबसे असेंशियल क्वेश्चन क्या है कि मेरे पास जो भी पूंजी है मेरे रिटायर्ड लाइफ के लिए, क्या वो मेरी पूरी जिंदगी के लिए काफी है? पहले मेरी लाइफ ऐसी होनी चाहिए कि मेरे बाद भी पैसे बचने चाहिए। तो इसमें दो सवाल है, सॉरी द बैक स्लाइड प्लीज। ये दो सवाल है कि विल माय इनकम आउटलिव, विल योर इनकम आउटलिव यू, और विल यू आउटलिव योर इनकम। तो अपने सबके जिंदगी में सबसे पहला सवाल पॉजिटिव है कि अपने लिए इनकम इतना होना चाहिए कि अपने बाद भी वो बचना चाहिए। ये एक हमने केस स्टडी की है, हमारे एक क्लाइंट है, जब वो पहली बार हमारे पास आए थे रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए, तो हमने उनसे सवाल किया था कि आपकी उम्र क्या है? 60 है। आपको रिटायरमेंट होने के लिए कितने साल बाकी है? 5 साल बाकी है। आप कितने तक जिएंगे? उन्होंने बोला चलो गिन लो 70-80। हमने कहा नहीं, 70-80 नहीं, आप 90 साल तक जिएंगे। क्यों? क्योंकि अगर आप पहले के लाइफ एक्सपेक्टेंसी देखेंगे तो 65 70 या 75 ईयर्स था, पर अभी मेडिकल साइंसेज ने इतना इम्प्रूवमेंट कर लिया है कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी अभी 70 नहीं रही, इट इज 90 एंड बियॉन्ड 90, ठीक है। तो जब हम प्लानिंग करेंगे तो हम 90 उम्र के लिए भी साल तक के लिए प्लानिंग करेंगे। फिर हमने उनको पूछा कि आपको महीने के कितने पैसे लगते हैं? तो उन्होंने कहा कि मैं हूं और मेरी वाइफ है, मेरे बच्चे तो फॉरेन सेटल्ड है, तो हम दोनों के लिए फिलहाल 1.5 लाख रुपए की जरूरत है, विच टेक्स केयर ऑफ ऑल आर एक्सपेंसेस, घर का मेंटेनेंस, इलेक्ट्रिसिटी बिल, नौकर, ड्राइवर, हमारा बाहर घूमना फिरना, तो इतना तो हमें लगता ही है। फिर हमने पूछा आपके पास जमा पूंजी कितनी है? तो उन्होंने कहा मेरे पास, बहुत प्राउडली कहा, मेरे पास 2.25 करोड़ है और ये मेरे लिए बहुत काफी है और मुझे लगता है मेरी जिंदगी तो आराम से गुजर जाएगी। फिर हमने कहा, पूछा उनको कहाँ कहाँ है, तो उन्होंने बताया कि एफडीज में है, रियल एस्टेट में है, यहाँ है। तो हमने उसका एक परसेंटेज लिया कि एवरेज परसेंटेज 8% रिटर्न पे अगर ये 2.25 करोड़ रखे तो उसका कम से कम आपको साल में एज इंटरेस्ट आपको 18 लाख रुपए आएंगे, और अगर 18 लाख 12 महीने के आते तो हर महीने आपका 1.5 लाख का खर्चा तो निकल ही जाएगा। वो बहुत खुश हुए, बोल रहे थे अरे वाह, आई एम सॉर्टेड, देखा मैंने मेरी जिंदगी में बहुत सही तरीके से इन्वेस्टमेंट्स की और जहां भी पैसे रखे सही तरीके से। पर ये हमने उनको बोला कि नहीं, ये गलत है, क्योंकि आपने सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है महंगाई, उसका आपने सोचा ही नहीं। उन्होंने बोला ये क्यों सोचना जरूरी है, इन्फ्लेशन, महंगाई बहुत जरूरी है, क्योंकि हर साल जब इन्फ्लेशन बढ़ता है, महंगाई बढ़ती है, वही चीज आपको 6% या 7% महंगी मिलती है। तो जब हम इन्फ्लेशन की बात करते हैं तो आप अग्री करेंगे, इसमें एक ही इंपॉर्टेंट सेंटेंस सबके दिमाग में आता है, वो क्या है? हमारे जमाने में उषा जी, मारिया जी, मैगी जी, आप ये सेंटेंस से बहुत वाकिफ होंगे
कि हमारे जमाने में मेरे मम्मी डैडी कहते थे, मेरे डैडी कहते थे, अरे हमारे जमाने में हम एक शर्ट 200 रुपए में लेते थे और वो 3 साल चलती थी। मेरी मम्मी कहती थी कि अरे हमारे जमाने में तो हरे मटर 15 रुपए किलो आते हैं, अभी देखो 70 रुपए सीजन में, और बिना सीजन 150 रुपए। अमूल दूध 1 लीटर तभी मिलता था सिर्फ 15 रुपए, अभी उसकी कीमत हुई है 60 रुपीज। इसका मतलब क्या है? महंगाई बहुत तेजी से बढ़ रही है, हर साल बढ़ रही है। तो वो महंगाई हमने ये कैलकुलेशंस में लाई और क्या देखा कि अगर उनको 1.5 लाख रुपए चाहिए अभी और 5 साल के बाद अगर वो रिटायर होने वाले हैं, तो 5 साल के बाद 1.5 लाख नहीं 2 लाख रुपए लगेंगे। और अगर पूरी अगले 25 साल के लिए हर महीने अगर 2 लाख लगेंगे और ये 2 लाख उनको पूरी जिंदगी चाहिए हर महीने, तो उनकी जरूरत 2 करोड़ 25 लाख नहीं, बिल्कुल डबल है, 5 करोड़ 40 लाख। वो बिल्कुल कुर्सी से गिर गए, अरे ये तो मुझे किसी ने बताया ही नहीं, मुझे तो पता था कि इतने पैसे काफी है। तो अभी ये स्टेज में इन इस प्रकार के क्लाइंट्स के लिए हमने बिल्कुल अच्छी तरह से इन्वेस्टमेंट प्लानिंग की, और ऐसी प्लानिंग की कि जब महंगाई 6% से बढ़ रही है तो इनकी इन्वेस्टमेंट दुगने टके से बढ़ रही है के 12% से। ठीक है, तो जब हम रिटायरमेंट प्लानिंग करते हैं हमारे क्लाइंट्स के लिए, हम 5 चीजों का ख्याल रखते हैं जो हम रखते हैं, पर ये चीजों का ख्याल आपको खुद को भी रखना है। आपको बिल्कुल जानना जरूरी है कि अगर मेरी रिटायरमेंट प्लानिंग करनी है तो इसमें ये 5 चीजें होना बहुत जरूरी है। ये शैलजा ने भी आपको ब्रीफ में बताया कि ये 5 चीजें क्या है। सबसे पहली चीज कि मेरे पास इनफ लिक्विडिटी होनी चाहिए। जैसे शैलजा ने बताया कि अगर अचानक पैसे की जरूरत पड़ी तो मैं कहाँ जाऊं, मैं रियल एस्टेट रातों रात बेच नहीं सकता, ना मैं एफडी लिक्विडेट कर सकता हूँ। तो मेरे पास इतनी पूंजी तो होनी चाहिए कि इन केस ऑफ इमरजेंसी या कोई भी जरूरत के लिए मेरे पास कुछ पैसे होने बहुत जरूरी है, जिसे हम हमारे टर्म्स में लिक्विडिटी कहते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कि जब मैं रिटायर्ड हूं तो मेरे पास कोई भी लायबिलिटी नहीं होनी चाहिए, मेरे सर पे ईएमआई का टेंशन बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि आज मुझे ये लोन रिपे करना है, वो लोन रिपे करना है, और अगर मेरे पास पैसे नहीं है और अगर मैं ईएमआई नहीं भर पाऊं तो क्या, ये सिचुएशन बिल्कुल होना नहीं चाहिए। सो वील हेल्प यू फर्स्ट टू क्लियर ऑफ ऑल योर लाइबिलिटीज, ऑल योर लोन्स। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, मैंने पहले भी एग्जाम्पल दी कि जो मेरी लाइफ स्टाइल है, आज मेरा मन किया कोई मूवी देखने जाना है, आज मेरा मन किया कोई म्यूजिकल प्रोग्राम देखने जाना है, मुझे वो करना ही है, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होनी चाहिए। और लॉन्जेविटी, जैसे कि अभी हमारी हम रिटायरमेंट के बाद बिल्कुल 30-40 साल जीने वाले हैं, और इस जिंदगी के गोल्डन ईयर्स मुझे कोई चिंता नहीं होनी चाहिए, आई शुड बी एबल टू लिव माई लाइफ। इसमें और एक चीज है कि मैंने काफी सारे लोगों को देखा है कि जैसे मेरे बहुत क्लोज मित्र है जो बैंक में काम कर रहे थे, पूरी जिंदगी उन्होंने बैंक में काम किया, और आप जानते होंगे बैंक का जॉब कितना हेक्टिक होता है, और उनको सिंगिंग का बहुत शौक था। उन्होंने हमेशा सोचा था कि रिटायरमेंट के बाद मैं जरूर सिंगिंग फिर से शुरू करूंगा, एंड आज आई एम सो हैप्पी टू शेयर कि वो रिटायरमेंट के बाद उन्होंने सिंगिंग परस्यू किया, वो एक प्रोफेशनल सिंगर बन गए हैं, और आज 70 की एज में वो स्टेज परफॉर्मेंस देते हैं। और ये सब वो क्यों कर पाए? क्योंकि वो उनकी रिटायरमेंट प्लानिंग बहुत अच्छी तरीके से थी कि उनको कोई चिंता नहीं, वो हॉबीज परस्यू करते हैं। सो बिल्कुल आप सबकी जिंदगी में भी ये होना चाहिए कि कुछ हॉबी है जो मैं परस्यू करूं। और लास्ट इज लेगेसी। हर माँ बाप चाहते हैं कि हम कुछ भी हो जाए हमारे बच्चों के लिए कुछ ना कुछ छोड़ के जाए हमारे बच्चों के लिए, या तब तक आपके ग्रैंड चिल्ड्रन भी आ जाते हैं उनके लिए हम कुछ करें, तो वो लेगेसी भी होना बहुत जरूरी है। तो ये 5 फैक्टर्स एक रिटायरमेंट प्लानिंग में होने के लिए बहुत अच्छी तरह की प्लानिंग जरूरत है। और रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए, अच्छी प्लानिंग के लिए क्या जरूरत है? एक फाइनेंशियल कोच जो आपको हर चीज की इंफॉर्मेशन दे, आपको बताए ये सही है ये नहीं है। तो मैं आपको अभी बताऊंगी कि हम एज फाइनेंशियल कोच हमारे क्लाइंट्स के लिए रिटायरमेंट प्लानिंग कैसे करते हैं। सबसे पहले इफ यू कैन क्लिक ऑन द अदर ऑप्शंस आल्सो, हमारा एक प्रोसेस सेट है कि जहां पे पहले हम प्लान करते हैं। प्लानिंग में क्या करते हैं कि जब हम आपकी पूरी जानकारी लेते हैं,
आपके गोल्स अंडरस्टैंड करते हैं कि आपको आपके लाइफ में रिक्वायरमेंट कितनी है, आपके गोल्स क्या है, आपकी हॉबीज क्या है, आपको वेकेशन जाना है, आपको लाइफ में क्या करना है, ये इसकी पूरी जानकारी लेते हैं। इसके बाद हम आपका फाइनेंशियल फिटनेस चेकअप करते हैं। क्या करते हैं इसमें कि आपकी पूंजी जहां जहां इन्वेस्टेड है उसका बिल्कुल हम स्टडी करते हैं और ओपिनियन देते हैं कि ये सही है ये नहीं है। इसके बाद हम आपके इन्वेस्टमेंट की पीरियोडिकल रिव्यूज करते हैं। ये प्रोसेस आपको जाना पहचाना नहीं लग रहा है? ये बिल्कुल उसी तरह है कि जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं किस चीज का इलाज करने के लिए, तो सबसे पहले डॉक्टर क्या करता है, आपको पूछता है आपका पेट खराब है, आपने कल क्या खाया, आप कहीं बाहर गए थे, आपके पास्ट की इंक्वायरी करते हैं, फिर आपका पूरा पूछते हैं कि आपको और कोई बीमारी है, आप किस किस की दवाई ले रहे हैं, पूरा फाइनेंस पूरा फिजिकल चेक करते हैं। तो उसी तरह हम बिल्कुल अच्छी तरह से फाइनेंशियल फिटनेस चेकअप करते हैं, ठीक है। और इसके बाद लास्ट आता है प्रोडक्ट। सब जानकारी लेने के बाद आपको आपकी पूंजी किस तरह से इन्वेस्ट करनी है जो आपको सारे गोल्स अकम्प्लिश करे, आपकी सारी इच्छाएं पूरी करे, इस तरह से हम प्लानिंग करते हैं। और इस प्लानिंग के लिए तब हम आपके लिए एक पोर्टफोलियो क्यूरेट करते हैं फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स के बारे में, और जो फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स है वो है म्यूचुअल फंड प्रोडक्ट्स, उसका हम एक पोर्टफोलियो क्रिएट करते हैं टू एंश्योर कि आपके सारे गोल्स फुलफिल हो। अब ये करने के समय हम तीन चीजों का खास ध्यान रखते हैं। सबसे पहले असेट एलोकेशन, कि आपके सारे पैसे एक ही इसमें ना हो, बिल्कुल अलग अलग एवेन्यूज में हो, थोड़े FDs हो, थोड़े म्यूचुअल फंड्स हो और पेंशन प्लान्स भी हो। उसके बाद हम ये देखते हैं कि ये पैसा कितने साल के लिए लगना है, टाइम होराइजन, और सबसे इम्पोर्टेंट बात आपका रिस्क एपेटाइट क्या है। अब आप सोचेंगे अरे जब आप रिटायरी की बातें करते हैं तो आप रिस्क एपेटाइट मतलब अरे ये उम्र में हमको कोई रिस्क लेनी नहीं है। नहीं, बहुत से लोग हैं जो बोलते हैं कि नहीं हमको रिस्क लेनी है। क्यों? क्योंकि हमको हमारे हार्ड अर्न मनी पे अच्छे रिटर्न्स आने चाहिए, इतने अच्छे रिटर्न्स आने चाहिए कि ये पैसे हमको सारी जिंदगी पर काम आने चाहिए, और उसके बाद हम कुछ पैसे हमारे आगे जनरेशन के लिए भी छोड़ सकते हैं। तो ये सारा इन्वेस्टमेंट प्रोसेस जो हमारा है वो बिल्कुल गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग है। तो इससे क्या होगा, इससे ऐसी प्लानिंग करके आपके रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए जो भी सवाल है उसका सही जवाब मिलेगा। और वो जवाब क्या है कि आपके जो भी इन्वेस्टमेंट है वो किस तरह से ग्रो होनी चाहिए, कॉस्ट ऑफ लिविंग से हमेशा ज्यादा ग्रो होनी चाहिए। यहाँ कॉस्ट ऑफ लिविंग मैंने क्या समझाया था, इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन कितना है 6%। तो अगर महंगाई 6% से बढ़ रही है तो आपकी इन्वेस्टमेंट उससे बहुत ज्यादा परसेंटेज से बढ़नी चाहिए। अगर 6% है तो आपकी इन्वेस्टमेंट कम से कम 12% से बढ़नी चाहिए। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, अभी हम कंक्लूजन पे आते हैं कि मुझे तो मेरी जिंदगी बहुत अच्छे से जीनी है बिना पैसे के टेंशन के, तो आपको क्या करना है। आपके पास तीन ऑप्शंस है। सबसे पहला, अगर आपने रिटायरमेंट प्लानिंग अभी तक नहीं की है तो आपको आपके फाइनेंशियल कोच से मिलना चाहिए जो आपको बिल्कुल अच्छी तरह से गाइड करे कि आपको कितने पैसे लगेंगे और कैसी प्लानिंग करनी है। ये फर्स्ट ऑप्शन है। सेकेंड ऑप्शन, अरे मेरी प्लानिंग तो बिल्कुल की हुई है, मेरे पास एक फाइनेंशियल गाइड है, एक फाइनेंशियल कोच है, तो मेरी तो प्लानिंग हो चुकी है। अगर आप ये स्टेज में भी हो फिर भी बनता है कि आप कोई दूसरे फाइनेंशियल कोच की सलाह ले कि अगर आपकी जो जो भी प्लानिंग है वो ट्रैक पे है वो सही है। और तीसरी बात कि मेरा कोई प्लानिंग किया ही नहीं है, तो यस यू हैव टू कनेक्ट विद अ फाइनेंशियल कोच, यू कैन अप्रोच अस एंड वी कैन हेल्प यू टू डू योर वेरी गुड रिटायरमेंट प्लानिंग। आपने बहुत सुन लिया मैंने जो जो कहा, अभी आपकी बारी है, अभी आपको बताना है कि जो भी हमने कहा आपको समझ में आया पहली बात, और ये आपको कैसे लगा, तो आपको ये पोल के जवाब देने हैं। सो योगिनी बैक टू यू। यस ओके थैंक यू सो मच। विल लॉन्च अ पोल अगेन, हम दूसरा पोल लॉन्च कर रहे हैं। विल लॉन्च दिस पोल फॉर 30 seconds, सो प्लीज एवरीवन पे अटेंशन टू योर स्क्रीन, यू विल गेट अ पॉपअप। उस पॉपअप पे आपको आपके ऑप्शंस को सिलेक्ट करना है और पोल का जवाब देना है।
ओके अभी अभी सभी को विजिबल होगा। ओके जब तक आप आंसर कर रहे हो आई'ड लाइक जस्ट लाइक टू इन्फॉर्म यू ऑल, अगर आपको एमएफए कैपिटल या आपको हैप्पीनेस फैक्ट्री को कभी कांटेक्ट करना है रिगार्डिंग योर ओन फाइनेंसेस, हमने चैट बॉक्स में उनका जो कांटेक्ट डिटेल्स है उसे दे दिया है। आप उन्हें मेल कर सकते हो या कॉल कर सकते हो इस गिवन नंबर पे, या फिर आप हमसे भी कांटेक्ट कर सकते हो, मैं, राइसा और हमारे जो बाकी के टीम मेंबर्स हैं, तो हम आपको उनके जो भी कांटेक्ट इन्फॉर्मेशन है उनके तरफ गाइड कर देंगे एंड विल गेट बैक टू यू इट्स द सेम। आई होप सभी ने आंसर कर दिया है। कैन वी एंड द पोल एवरीवन, हैव 10 मोर सेकंड्स, प्लीज वोट जल्दी से। थैंक यू सो मच। बिफोर वी एंड, जैसे हम सीरियल में देखते हैं, बिल्कुल सीरियल में शुरू में एक रिकैप होता है, तो हम पूरे सेशन का हम रिकैप करेंगे तीन ही पॉइंट्स है। सबसे पहले क्या पॉइंट है, ये आपके बिल्कुल जहन में बैठ जाना चाहिए कि रिटायरमेंट प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है आपके कैश फ्लोज और कॉर्पस समझने के लिए। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, जो भी पेंशन के एवेन्यूज है वो टैक्सेबल है। और तीसरी बात, जब भी आप रिटायरमेंट प्लानिंग करें, एक चीज का बहुत ध्यान रखें कि उसमें इन्फ्लेशन फैक्टर्ड इन हो, महंगाई से दुगना आपके इन्वेस्टमेंट्स को कमाना है। ओके, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मेरी तरफ से एक सबसे जरूरी बात, अगर आपको सर उठा के जीना है तो रिटायरमेंट प्लानिंग करना बहुत जरूरी है। नमस्ते, थैंक यू सो मच फॉर अ पेशेंट लिसनिंग एंड हैट्स ऑफ टू हिमांशु जैन एंड प्रीतिश नेलरी फॉर क्रिएटिंग सच अ बिग एंड वंडरफुल लार्जेस्ट फैमिली इन इंडिया। या थैंक यू सो मच फॉर अ पेशेंट लिसनिंग। That's lovely, शिल्पा जी एंड शैलजा जी, आप दोनों ने काफी अच्छे से प्रेजेंट किया एंड आई एम वेरी श्योर कि हमारे मेंबर्स अभी काफी ज्यादा सोच रहे होंगे एज मी वॉज लिस्निंग, पर मतलब मेरे पहले इतना ज्यादा इन्वेस्टमेंट मेरे दिमाग में नहीं था। आई वॉज जस्ट थिंकिंग कि हाँ FD कर लूंगी, RD कर लूंगी, PPF अकाउंट ज्यादा से ज्यादा ओपन कर लूंगी, बट नाउ विथ योर परस्पेक्टिव आई एम मोर कंसर्न एंड इट फील्स मोर सिक्योर, सो डेफिनेटली आई एम गोना कॉन्टेक्ट यू एज वेल पर्सनली। पर हमारे मेंबर्स प्लीज, अगर आपको भी फाइनेंशियल प्लानिंग करनी है आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। सो इफ यू वॉन्ट एनी असिस्टेंस, एनी हेल्प, यू कैन कॉन्टैक्ट अस और MF फाइनेंस या फिर हमारा हैप्पीनेस फैक्ट्री, आप बिल्कुल कॉन्टैक्ट कर सकते हो और बिल्कुल हम आपको हेल्प करेंगे उन तक पहुँचने में। ओके सो एज ऑफ नाउ विल कंक्लूड द सेशन। थैंक यू सो मच शैलजा जी एंड शिल्पा जी फॉर ज्वाइनिंग इन एंड एक्सप्लेनिंग इट एवरीथिंग सो ब्यूटिफुली एंड क्लियरली, कि आपने इतने से लेमैन लैंग्वेज में एक्सप्लेन किया है, बिल्कुल स्पून फीड किया है हमें। सो दिस वॉज रियली वंडरफुल एंड हेल्पफुल। थैंक यू, थैंक यू ऑल, थैंक यू। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच राइसा जी मेरे साथ बने रहने के लिए एंड थैंक यू एवरी वन। आई होप यू एंजॉय टूडे सेशन। हम मिलेंगे बहुत जल्द हमारे कल के 7 बजे के योगा सेशन के साथ। So tab tak ke liye bye bye and have a happy happy day ahead. Please like, subscribe and press the bell icon to get notified for new videos.